नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में थाना जगनेर के गांव बरीगवा में 2.5 साल के मासूम को तंत्र मंत्र की बलि चढ़ा दिया गया। घर के बाहर से खेलने के दौरान बच्चे का अपहरण कर लिया गया। घर वालों ने काफी तलाश की लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है। अगले दिन बच्चे का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूरी घटना बताई है। एक बच्चा गुम हो गया था। बच्चे के गुम होने पर उसके पिता ने दिनांक 16 जून 2022 को तहरीर थाने में दी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ 363 का। उसके बाद से ही लगातार पुलिस उस बच्चे की तलाश में लग गई। उसके अगले दिन जब पूरा गांव तलाशा गया तो पास के ही एक किवाड़ नदी है जहां पर उस बच्चे की लाश मिली है। उस बच्चे की लाश मिलने के बाद फिर पुलिस जुट गई कि उस बच्चे की हत्या किसने की है, क्योंकि जो जिस तरीके से उस बच्चे की लाश मिली थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें हत्या की पुष्टि हो रही थी। तो ये जब पूरी छानबीन की गई तो उसी गांव का ही एक व्यक्ति है जो कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में विश्वास रखता है, जिसका नाम हुकुम सिंह और भोला पुत्र कैलाशी निवासी ग्राम बरीगवा बुजुर्ग थाना जगनेर का रहने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी का विरोध किया है। छात्र जल्द ही सड़क पर उतरकर तिस्ता सीतलवाड़ की रिहाई को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उनका लगाव रहा और वो कई बार एएमयू के कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं। वहीं अब एएमयू छात्र तिस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित छात्र नजर आ रहे हैं। वहीं वो गरीबों और मजलूमों के साथ खड़ी रहती हैं, ऐसा छात्रों का कहना है। तिस्ता गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद गिरफ्तार किया गया। तिस्ता कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जफारी की याचिका पर उनकी मदद कर रही थी। उन्होंने गुजरात दंगों में दंगा पीड़ितों के लिए सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एनजीओ बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संलिप्तता को लेकर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। हालांकि अब तिस्ता सीतलवाड़ पर अपने एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए जमा करने का आरोप है और फंड के सही इस्तेमाल नहीं करने का भी आरोप है, जिसके बाद एटीएस ने मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को साथ नाइंसाफी हुई है आज उनको गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है कि ये जो सरकार है, ये दमनकारी सरकार है, ये जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा ये उसके साथ यही ऐसा सलूक करेंगे जो तिस्ता सीतलवाड़ मैडम के साथ किया है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो कर रही है इतने अच्छे लोगों के साथ, ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये सरकार जो है सिर्फ दबाने का काम कर रही है, लोगों को डराने का काम कर रही है। अगर वो नहीं डर रहे हैं तो उनको जेल में डालने का काम कर रही है। लोगों को सबक लेना चाहिए, अच्छे लोगों को तिस्ता सीतलवाड़ से मैडम से, जो उन लोगों के साथ खड़ी थी जिनके साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, आज उन्हीं के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है। बस्ती जिले में हर साल बाढ़ से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं, फसलों को भारी नुकसान होता है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पशुओं के सामने चारे का संकट खड़ा हो जाता है। बस्ती जिले की सीमा से लगकर लगभग 80 किलोमीटर एरिया में घाघरा नदी बहती है। हर साल बाढ़ आने पर हजारों बीघा फसल नष्ट हो जाती है। बड़े पैमाने पर गाँव के लोगों को पलायन भी करना पड़ता है। जिला प्रशासन ने भी बाढ़ से निपटने की तैयारियां कर ली है। बांधों पर मरम्मत का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। डेजर पॉइंट को चिन्हित कर बांधो और ठोकरों पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। एडीएम अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि बाढ़ कमेटी की दो बार मीटिंग की जा चुकी है। बाढ़ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ के लिए बांधों की मरम्मत भी तेजी के साथ की जा रही है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। 2 सेंसिटिव पॉइंट को चिन्हित कर काम भी शुरू कर दिया गया है। बाढ़ की पूरी बाढ़ आपदा की कमेटी की पूरी बैठक दो बार की जा चुकी है। सारी तैयारियां अपने अंतिम स्तर पर हैं।
जहाँ तक स्थिति है बंधे का सवाल है, बंधे पर सिंचाई विभाग सतत निरंतर अपनी निगरानी रखे हुए और तैयारी कर रहा है बंधों को। उन्होंने कल मीटिंग में उनके द्वारा बताया गया कि बंधे हमारे पूर्णतया सुरक्षित हैं, 2 पॉइंट सेंसिटिव है, वहाँ पर कार्य चल रहा है। भाक्यू के किसान सम्मान बचाव महापंचायत में भाक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे। थाना शहर कोतवाली इलाके के खरक गांव में किसान सम्मान बचाव रैली का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने किसानों को महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी थी, बिना अनुमति के ही किसान रैली की जा रही थी। हरियाणा में टूएट का बिल 250 रुपये महीना है, यहाँ से 2200 रुपये महीना। पंजाब में किसान को बिजली फ्री है, उत्तराखंड में 7500 रुपये एक साल का बिल है, और यहाँ से तो कुछ वो है ही नहीं, पता नहीं कुछ लेखा जो उपाय नहीं कुछ नहीं क्या है। अच्छा टिका साहब, चुनाव का समय योगी जी ने कहा था बिजली फ्री करेंगे, उत्तर प्रदेश की क्या बिजली फ्री नहीं, मतलब चुनाव में तो बहुत वादे करे उन्होंने, हम तो यही कहे हम फ्री के में नहीं है, फ्री की तो गलत है बात, कहाँ से बिजली हम सही रेट ले लो हमारे को, ऐसी बात नहीं। आज किसान बड़ा परेशान है, दुखी है किसान, हम सही बिजली का बिल देंगे, हम ना कभी भी ऐसे नहीं करेंगे हम बिल नहीं देते, तो कम से कम मिल बैठ कर बात करें क्या स्थिति है, क्यों करें बातचीत, किस तरह से किसान उभरे। आपके यहाँ मीटर लगाने का विरोध जो आपने कल वहाँ पंचायत की है, तो उसे किस कैस क्या है उसके पीछे? मीटर का तो विरोध नहीं कर रहे हम, 20-25 हज़ार रुपये महीने का बिल आऊगा मीटर से, ये तो इंडस्ट्रीज के जो है जो फैक्ट्री की बिजली है इतनी महंगी बिजली किसान कहाँ झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा तो करोड़ा होगा। तो आपका क्या है, क्या मांग है कि बिजली आधी हो या सही रेट किया जाए? एक तो मांग है, हम तो यही कहे भाई किसानों के बाद करोड़ मरोड़ का ना पेश करी जाए, किसानों का एक सम्मानित पैसा है, इनके साथ इज्जत का पैसा है, ना कि इनकी भारतीय किसान यूनियन। हरदोई जिले में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया और 35,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। दरअसल बुजुर्ग अपने बेटे की डायलिसिस के लिए बैंक से रुपए लेकर आ रहे थे। अपने घर के पास बुजुर्ग के पैदल जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। कन्नौज में हत्या के 3 लोगों पर आशंका पर शव को निकलवाने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर परिजनों ने प्रशासन की मौजूदगी में मृतक के शव को कब्र से बाहर निकलवाया। शव उपजिलाधिकारी उमाकांत तिवारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों को सूचना दी गई है कि उनका किशोर बम्बा में डूबने से उसकी मौत हुई है, जिसकी खबर सुनकर परिवार में मातम छा गया। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने देर रात अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को परिवहन करते हुए सीज कर दिया है। वहीं एसडीएम गोपाल बिनवाल का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्सर के अवधिपुर गांव में सैलानी नदी के निकट स्थित सरकारी भूमि पर खड़े पॉपुलर के 2 दर्जन से अधिक पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग सरकारी पेड़ों को काट कर ले जाते किसी ग्रामीण ने इस बात की सूचना एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को दे दी। एसडीएम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में लेखपालों की टीमों को मौके पर भेजा। तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से काटे गए पेड़ों को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पेड़ काटने वाले मौके से फरार हो गए। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उनकी तलाश की जा रही है।
यूपी कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। डाटा सेंटर नीति 2022 के तहत निवेशकों को बजट मिला है। वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सिंगेश्वरपुरम धाम में विशिष्ट कार्यों के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। होमगार्ड और स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता का प्रस्ताव मंजूर हुआ। वायुयान के मेंटेनेंस एंड रिपेयर के प्रस्ताव और 2022-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण कराने को भी लेकर मंजूरी मिली है। बता दें कि कैबिनेट में 15 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 14 को मंजूरी मिल चुकी है। सरधना थाना क्षेत्र गांव खेड़ा निवासी पूर्व अर्धसैनिक बल के जवान ने थाने में तहरीर देखे हुए बताया कि सुबह के समय खेत में काम करने गया, तभी उसके पड़ोसी ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूर्व अर्धसैनिक बल के जवान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए निगम प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ कमर कस ली है। भारी बारिश के दौरान सफाई व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो और साथ ही तमाम क्षेत्रों में नाले उफन कर आवागमन प्रभावित ना करें, इसके लिए व्यापक राजनीति के साथ और रणनीति के साथ निगम महापौर अनिता ममगई ने शहर में विशेष स्वच्छता अभियान भी शुरू कर दिया है। एम्स पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बैराज कॉलोनी स्थित एक आटा चक्की की दुकान से ग्लाइडर मशीन और नकदी चोरी हो गई। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई ग्लाइडर मशीन पुलिस ने बरामद कर ली है, मगर नकदी खर्च किए जाने की वजह से बरामद नहीं हो सके। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आरोपी का नाम मयंक कुमार है और वो बैराज कॉलोनी का ही रहने वाला है। रुड़की में 24 जून को हुए संघर्ष में कृणाल उर्फ बाबू की हत्या के केस में भगवानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद 3 लोगों को जेल भेजा। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि बाबू मर्डर केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल हथियार, 2 अदद तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा बरामद किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर के विकास खंड बाजार के प्राथमिक विद्यालय सिखुई में ग्रामीणों ने विद्यालय पर पहुंचकर स्कूल का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा काटा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार मिड डे मील नहीं दिया जाता और ना ही शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षक शराब पीकर पढ़ाने आते हैं, जहां सरकार शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, जिम्मेदार द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। और बच्चों के परिजनों का कहना है कि शिक्षा में सुधार लाया जाए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी शिक्षक की जिम्मेदारी है और उन्हें आना चाहिए, मिड डे मील भी अच्छा मिले। इतना ही नहीं, बच्चे अभी तक अपना नाम तक नहीं लिखना जानते हैं, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। लेकिन उनको दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया, कक्षा 5 तक पहुंच गए, कुछ भी नहीं आ रहा इन बच्चों को। सैकड़ों ग्रामीण ऐसे आरोप लगातार लगा रहे हैं और घेराव करते हुए नजर आए। उनको साफ तौर पर कहना है कि अगर यही चलता रहा तो आगे फिर से वो स्कूल का घेराव करेंगे। क्षेत्रवासियों के लिए आखिरकार कुछ राहत और खुशखबरी की बात सामने आई है। लंबे समय से स्थानीय लोगों की एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, रक्त की जांच करने वाली मशीनों की मांग थी, लेकिन फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ में खून की जांच करने वाली ऑटोमेटिक हेमाटोलॉजी एनालाइजर मशीन का शुभारंभ हुआ है। मंगलवार को पीएससी के प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र डिबरी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य महकमे के महानिदेशक द्वारा प्रदत्त शरीर के विभिन्न हिस्सों के खून संबंधी जाँच के लिए ये मशीन का उद्घाटन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।